अब हम नेचुरल ब्यूटी पे जा रहे हैं, ये है स्विट्जरलैंड। अभी हम पहुंच चुके हैं इंटरलाकिंग के एक गांव कह लीजिए, इसका नाम है आइसल्ड वॉल्ड। ये बिल्कुल लेक के बराबर में मौजूद है और देखिए कितना खूबसूरत गांव है ये। यहाँ से आपको इंटरलाकिंग ओस्ट जिनका सेंटर स्टेशन है इंटरलाकिंग का, वहाँ से आपको आने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, लेकिन 15 मिनट की ड्राइव बहुत वर्थ इट है क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है, आप जो एंजॉय कर सकते हैं और पिक्चर ले सकते हैं वहाँ पर। ये देखिए अभी हम आ चुके हैं इंटरलाकिंग के अंदर गीसबाख वाटरफॉल के पास। गीसबाख वाटरफॉल के लिए पार्किंग की जगह ये है, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं यहाँ कहीं भी, और यहाँ से आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट की वॉक करके ऊपर जाना पड़ता है हाइक करके वाटरफॉल्स को देखने के लिए, और आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए अलाउड नहीं है, इस दो लोग यहाँ पर गेस्ट हाउस के लिए अलाउड है। तो यहाँ से मैं अभी पार्किंग भी करूँगा और आपको थोड़ी देर बाद गीसबाख वाटरफॉल जो वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इंटरलाकिंग की वॉक को विजिट करवाता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं गीसबाख वाटरफॉल के पास, आपने फिर सही वाटरफॉल नया दिखने को, और देखिए फिर इस लोगों ने कितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर। आप यहाँ से जाएंगे राइट पे और आप फिर से वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं। यही सेम वाटरफॉल मैंने पाकिस्तान में देखा था और इससे बहुत बड़ा वाटरफॉल था पाकिस्तान में, लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो कितना ज़बरदस्त उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन देखिए वाटरफॉल ही बहुत खूबसूरत है। करता हूँ आपने अभी तक एक सीनिक राइड को काफ़ी एंजॉय किया होगा, और अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं ग्रिंडलवाल्ड। मेरे सामने आप वो देख सकते हैं ग्लेशियर, और क्या बात है ज़बरदस्त स्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ तक रोड बड़ा स्मूथ था, बड़ा रिलैक्स होकर हम लोग आए हैं सुकून से, और यहाँ क्या व्यूज़ देखिए, मज़ा आ रहा है देख के यहाँ पर। सर मैं ये बोलूँगा कि जो लोग पाकिस्तान से स्विट्ज़रलैंड आ रहे हैं ना या ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, वो लोग नहीं आए क्योंकि देखें ये जो ब्यूटी है ना, ये चले इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जगह हैं यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान के जो माउंटेन्स हैं, पाकिस्तान के जो माउंटेनस रीजन है, उससे लाख दर्जा बेहतर है। मतलब इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपके लिए यहाँ पर आना ईजी है, लेकिन अगर आप कश्मीर की साइड पर जाएंगे या नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो आपको जो है ना वहाँ जो ब्यूटी मिलती है वो उसका इससे कंपेरिजन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ की वन ऑफ द प्राइम जगह में से एक है, मतलब आप समझेंगे जो माना जाता है स्विट्जरलैंड एक बहुत खूबसूरत है पहाड़ों के हवाले से। सिर्फ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उन्होंने साफ सफाई की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उसकी वजह से ना ये आपको बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आना और घूमना फिरना। लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 2 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर कुमराट वैली का और तमाम जगहों का ट्रिप करके आया हूँ, और आपने देखे भी होंगे मेरे सारे ब्लॉग्स, और 2 महीने के अंदर मैंने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है वो स्विट्जरलैंड से बहुत ज़्यादा है, उसमें डाइवर्सिटी बहुत है। यहाँ पर आप देखेंगे डाइवर्सिटी एक तरह की ही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नेचुरल ब्यूटी भी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, और डिफरेंट किस्म के पहाड़ हैं, ग्रीन भी है, कलरफुल भी है, आपको ग्लेशियर भी नज़र आते हैं अच्छे खासे, और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, और प्लस बींग पाकिस्तानी आपके लिए वो एक चीप भी है, इतना महंगा भी नहीं है। यहाँ पर आना महंगा है, यहाँ पर पेट्रोल पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी
अगर आपका शौक है तो आप यहाँ पर आइए जरूर। लेकिन मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी आप सबके लिए कि आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। आपको अगर पाकिस्तान एक्सप्लोर करते हैं तो आपको ये जगहें थोड़ी हल्की लगेंगी पाकिस्तान से मेरे ख्याल से। लेकिन दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर ना खाना बहुत एक्सपेंसिव है, और ख़ासतौर पर अगर आप इस ग्लेशियर के सामने आते हैं तो आप इसके सामने बैठ के खाना खाएंगे कहीं भी तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। तकरीबन 30-35 यूरोस तक का खाना आपको मिलता है एक बंदे का। तो उसके सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये हल्दीराम के दाल चावल मिनट खाना आता है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। इसमें आपको सिर्फ गर्म पानी डालना है और आपका दाल चावल रेडी होता है सेम विद इन 8 मिनट्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी भी आते हैं स्विट्जरलैंड, ग्रिंडलवाल्ड, इंटरलाकेन इन जगहों पर, तो बेटर है कि आप जो है अपने साथ खाना लेके आएँ, या तो आप इस तरह का रेडी टू ईट कोई खाना लेके आएँ जिससे आपके लिए खाना ईजी हो, अदरवाइज तो खाना बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये अभी बात है, ठीक है। अंदर अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए लेना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। वैसे सामने वो देखें कि द इंडिया हलाल रेस्टोरेंट के नाम से मौजूद है, यहाँ पर कॉफ़ी की, खाने पीने की सब जगहें मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर होटल्स भी हैं, खाने पीने की हर जगह मौजूद है ग्रेटर वर्ल्ड के अंदर। तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, मतलब डे ट्रिप करना चाहें डे ट्रिप कर लें, ऐसे मैंने की है। अगर आपको स्टे करना है तो स्टे कर लें। थोड़े होटल्स यहाँ पर एक्सपेंसिव है, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर लोगों को वो यहाँ पर आके होटल में नहीं लें, यहाँ पर ये होटल एक्सपेंसिव है यहाँ पर नो डाउट। लेकिन आपके लिए अच्छा ये है कि आप यहाँ से ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब आप पूरा दिन यहाँ पर ना ग्रिंडलवाल्ड के अंदर स्पेंड कर सकते हैं अपना यहाँ पर बड़ा ईजिली। तो ये था हमारा आज का इंटरलाकेन का स्विट्जरलैंड का ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा बहुत ज़्यादा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। आने से पहले अपनी कॉस्टिंग, अपना प्लान ज़रूर करके आएगा सही से, क्योंकि यहाँ पर करने की चीज़ें बहुत हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। और ना ही सिर्फ कि एक्सपेंसिव है बल्कि आपको पता नहीं होता आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, क्योंकि बहुत सारी जगह घूमने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग के अंदर। टेक केयर।